आज पदुम में ही घूमूंगा। दिन के वैसे 12 बज रहे, 2-3 बजे निकलूंगा कहीं, देखता हूँ पदुम में घूमता हूँ। तो अभी मैं हूँ पदम। पदम से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है शिला, जिस जगह पर ये फेमस वाटरफॉल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। लुक एट दिस व्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं हूँ पदुम में। ये मेरा वो होटल था जहाँ पे मैं ठहरा था, और अभी मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी हम जाने वाले हैं लेह बाय लिंक शेड। लेट्स सी, सुना है बहुत क्रेजी रोड्स है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। और हाँ, मेरी बाइसाइकिल भी मेरे साथ जाएगी। सैडली अब मैं बाइसाइकिल थोड़े टाइम के लिए चलाना बंद कर दूँगा, क्योंकि कल भी मैंने चलाया तो मेरे शाम को काफ़ी पेन हुआ था, बट अभी काफ़ी ठीक हूँ। सी यू सून ले, बाय बाय। सो एवरीथिंग इज पैक्ड एंड लगा गिरा दे हम लोग चल चल रहे हैं अभी। नाउ द रफ राइड विल बिगिन आई गेस। यस, वी आर आगे रोड कच्चा है ना। पैकिंग But this guy is brutal. Kargil Padum was in a silo. Silo. That is a little bit smaller place. It's wider at the back. Yes, it's good. But it's funny to see that his feathers are loosened, and they are tied with an extra this rubber. Not much thread left. Everything's fine. Everything is fine. So buying some sattu barley from my little friends. Thank you.
तो मैं अभी ले पहुंच गया हूँ, शाम के 7 बजे ले पहुंच गया था। सुबह हम लोग 7:30-8 बजे निकले थे पदुम से। हमने लिंक शेड वाला रोड फॉलो किया और लगभग 11-12 घंटे हमें लगे, और रोड काफ़ी ठीक था, मतलब जितना भी बुरा नहीं था जितना मैंने यूट्यूब पे वीडियोस में देखा हुआ है। इवन ऑल्टो, मारुति, ये सब गाड़ियाँ भी वहाँ से जा रही थी। एंड ऑल्सो शायद वेदर पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज़ अगर वाटर लेवल लिंक शेड से नीचे, अगर जहाँ स्टार्टिंग होता है वहाँ पे वाटर लेवल अगर बढ़ जाता है तो शायद नदी रोड पे चढ़ जाती है, तो मेन दिक्कत वही होती है और थोड़ा बोल्डर्स का गिरने का खतरा रहता है। बाकी रोड ठीक था, और ये काफ़ी शॉर्ट रोड रूट है वहाँ से पदम से ले आने के लिए। अदरवाइज पेंसिला होके, कारगिल होके हमें ले आना पड़ता, बट ये शॉर्ट रूट था और काफ़ी जल्दी हम ले पहुँच गए। तो अभी यहाँ होटल में रुका हूँ और अभी 1-2 दिन यहाँ पे स्टे करूँगा, फिर वापस मनाली के लिए मैं निकलूँगा। एंड पहले भी ले आया हूँ मैं, काफ़ी पहले, 8-9 साल पहले, तो इतना कुछ खास मुझे लगता नहीं यहाँ देखने को होगा मेरे लिए। बट आप लोगों के लिए बहुत सारी जगह यहाँ पे घूमने को है। तो मेरा जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है पदम से। मैंने साइकिलिंग यहाँ पे नहीं की, मैं अपना कैंपर में साइकिल पीछे ले आया था, बिकॉज़ मेरे वही नी वाला इंजरी अभी भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इसलिए मैंने उसको ख़राब नहीं करना चाहा, और वो पार्ट मैंने वहीं छोड़ दिया। और मे बी समडे वी कैन ट्राई दैट फ्रॉम पदम टू ले, बिकॉज़ वो अपने आप में ही एक अलग क्रेजी राइड होगी, टू क्रॉस सिंगेला सिरसिरला एंड वनला टू रीच ले बाय निम्मू। तो देखते हैं वो कब होगा, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और बाकी मिलते हैं, बाय बाय।